खुशी से ऐसे फड़फड़ा रहा, ऐसे फड़फड़ा जैसे पानी से निकली मछली। पानी से निकली हुई मछली खुशी से कभी नहीं फड़फड़ाती। अरे जानती हूँ, ये मेरा स्टाइल है डायलॉग बोलने का। और जब मेरी बुक छपेगी ना, उसमें भी ऐसे ही डायलॉग भरे होंगे। क्यों नहीं होंगे? और जो उस बुक को छापेगा ना, वो भी पानी से निकली हुई मछली की तरह फड़फड़ाएगा, लेकिन खुशी से नहीं। तुम भी आज बरसों बाद सब मिलके पिकनिक पे जा रहे हैं। आज झगड़ा तुम लोग माजी और पिताजी को लेके आ जाओ, मैं उनको। विनोद, तुम सारा प्लान ठीक से समझ गए हो ना? अरे समझ गया हूँ ना। हम जैसे ही पिकनिक के बहाने घर से निकलेंगे, मैं नाटक शुरू कर दूंगा। क्या पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग घर के अंदर वापस आएंगे और उसके बाद शर्म आ रही है। घर में उस वक्त कोई नहीं होगा। जानती हूँ, ऐसी शांति होगी पूरे घर में, ऐसी शांति जैसे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, ये मेरा स्टाइल है। क्या स्टाइल है, लगता है दोनों को एक साथ दफना होगी। अरे किरण, तुम पिकनिक पर नहीं जा रही हो? ना जी, मैं नहीं जाना पिकनिक में। आप लोग जी जाओ, मैं तो डिसाइड कर लेता हूँ अपने फ्री टाइम में ना। मैं ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाकर ना स्ट्रगल करूंगी। मैं बनाऊंगी बड़ी सड्डी स्टार। तुम क्या बनोगी बड़ी सड्डी स्टार? ये कह रहे तुसी, मर जा मैं पुड़खा के, मैं स्टार मटेरियल नहीं हूं। बंगार मटेरियल हो, बंगार मटेरियल। हाय हाय, स्टार बनने चली। मैं बनाऊंगी इतनी बड़ी स्टार ना, प्रॉमिस करती हूं आपको, होल इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। मैं एक बात बताऊं, एक बार ना मैंने रामायण में पार्ट लेता थी, सुरपनखा था। ऑडियंस से ऑडियंस राम ते रावण भी भाग गए थे मेरी परफॉर्मेंस देखकर। पर स्टार बनने के लिए ना सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस होना जरूरी नहीं है, फिर शो बिजनेस है, बाकी चीजें भी तो चाहिए। बाकी? हाँ, अरे वो नहीं, फिर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए। बंगला, गड्डी, मोबाइल, सेक्रेटरी? ओ जी की कह रहे तुसी। अरे एक टाइम खाना खाओ, मगर हाथ में मोबाइल होना जरूरी है। और ये प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो पहले सेक्रेटरी की शक्ल देखते हैं, फिर एक्ट्रेस की शक्ल देखते हैं, समझी? मजा गुड़ खा के, ओ जी मैं इतनी छोटी सी जान ते मेरी इतनी छोटी सी तनख्वाह, मैं कितों लावा है सब। और जी आपकी नमिता पाबी जी, मतलब आपकी नमिता जी मेरी पाबी जी, ओ जी हर महीने हिसाब लगाती है। उस दिन ना किरण ने दो कटोरियां तोड़ी हैं, लिख लो जी। उस दिन एक प्लेट तोड़ी, लिख लो जी। फिर बच्ची कुची तनख्वाह में मैं की खरीदा मोबाइल ते बंगला ते। ओ जी मेरे को अपना आप को बेचना पड़ेगा। हाँ बेचना ही तो पड़ता है, इसलिए कहता हूँ ये स्टार बनने का चक्कर छोड़ दो और कोई अच्छा सा लड़का फंसा लो और उसके साथ शादी कर लो। छी छी, काट लो अपनी ज़बान, मैं बनाऊंगी बड़ी स्टार। खून पसीना एक करके किरण मल्होत्रा बनेगी इतनी बड़ी स्टार। ओ जी विजयंती माला, ओ देखो सीगा मोबाइल ना, मिडिल क्लास फैमिली की इतनी बड़ी स्टार बन गई। ओ जी मधुबाला, ओ देखो सीगा मोबाइल ना, लेकिन इतनी बड़ी स्टार बनी गरीब कार की थी। और जी गीता वाली, गीता बाली के कार में ना एक बार चूल्हा जलता था, बस एक टाइम। ओ देखो मोबाइल सीखा ना, बड़ी इतनी बड़ी स्टार बनी। ओ जी मैं भी बनागी, तुसी जाओ पिकनिक, मैं बन गया स्टार। हां भाई, मैं पिकनिक नहीं जा रहा हूं। तुसी क्यों नहीं जा रहे? मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। की? हां मैंने तय किया है कि अब मैं मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाऊंगा। तुसी हंसती क्या हो? मैं जानता हूं ये भी इतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारा स्टार बनना।